ज्यादा दान न लें। श्री गुरु नानक देव जी अपने मित्र और शिष्य मर्दाना के साथ निरंतर यात्रा पर ही रहते थे और जगह जगह जाकर उपदेश देते थे और लोगों के विचारों को भी सुनते थे। गुरु साहब अक्सर गांव या शहर के बाहर ही अपना डेरा जमाते थे और फल फूल या जो कुछ भी मिलता था उसको खाकर पेट भर लेते थे, परंतु उनके शिष्य मर्दाना के पेट फल फूल खाकर नहीं भरता था। मर्दाना जी को पका हुआ स्वादिष्ट भोजन ही चाहिए होता था। उस पड़ाव के दौरान जब गुरुजी ने यह महसूस किया कि मर्दाना बहुत ही परेशान है, तो उन्होंने उनसे कहा, ऐसा लगता है कि इस डेरे पर तुम्हारा मन नहीं लग रहा है, ऐसा करो कि तुम गांव में घूमाओ। मर्दाना जी तो यही चाहते थे। जब वो गांव में पहुंचे, गांव के लोगों ने उनका बहुत स्वागत किया और उनको खाने को बहुत ही स्वादिष्ट भोजन भी दिया। संतुष्ट होकर जब भाई मर्दाना जी जाने लगे, तो गांव के लोगों ने उनको बहुत से कपड़े, सूखे मेवे और अन्य उपहार एक गठरी में बांधकर दे दिए। भाई मर्दाना जी अपने डेरे की तरफ चल दिए। गुरु नानक देव जी ने मर्दाना जी के कंधे पर बड़ी गठरी देखी तो मुस्कुराए और बोले, अरे मर्दाना, इतनी बड़ी गठरी कहां से बांध लाए? मर्दाना जी ने कहा, गुरु जी, गांव वालों ने यह सामान श्रद्धा के साथ भेंट किया है। गुरु नानक देव ने कहा, मर्दाना, हम तो गृहस्थ में रहकर त्याग और उपदेश देते हैं और तुमने त्याग का रास्ता अपनाकर इतना लोभ किया। मर्दाना जी ने कहा, मैंने उनसे कुछ भी नहीं मांगा था, उन्होंने स्वेच्छा से ये सब दिया है। ठीक है, किंतु हमें तो अपनी इच्छाओं पर काबू रखना चाहिए। गुरु नानक देव जी ने कहा, जिस तरह दान देने वाले को धर्म की कमाई में से दान देना चाहिए, उसी तरह दान लेने वाले को भी उतना ही लेना चाहिए जितने की उसे आवश्यकता है। जाओ, इस सामान को जरूरतमंद लोगों में बांट दो। मर्दाना जी ने सारा सामान बांट दिया। बहुत बहुत शुक्रिया।